कहीं आपके करियर में कोई परेशानी तो नहीं चल रही, या फिर आप इस इंतजार में हैं कि आपका इस वर्ष प्रमोशन होगा? क्या इसी उलझन में फंसी हुई है जिंदगी? क्या कहीं करियर में किसी तरह की दिक्कतें, परेशानियां आपको इस वर्ष नौकरी से निकाला तो नहीं दे देंगी? या फिर आपका कहीं पर जो स्टेटस है वो डाउन तो नहीं होगा? या फिर आपके लिए खुशखबरी का समय है, पर कहीं ना कहीं वेटिंग हो रही है, और वो खुशखबरी आपको कहीं ना कहीं इस तरह की मिलने वाली है कि आपको करियर में एक ग्रोथ का सामना करना पड़े, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। पर यही दो चीज़ों के बीच में ही इंसान करियर में लगा रहता है कि कहीं डिमोशन ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यही सब चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, करियर जो कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, करियर चाहे वो नौकरी हो, अगर नौकरी की बात की जाए तो बहुत से लोग नौकरी करते हैं और बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस में या नौकरी में आपको किस तरह से प्रमोशन मिलेगी, कैसे आप ऊंचे उठ सकते हो, ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हमारी कुंडली में वर्षफल के अकॉर्डिंग बताती हैं। कई बार तो इंसान लाइफ टाइम करियर की उलझनों से ही उलझा रहता है, पर ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम उसके साथ वही सेम टू सेम परेशानियां रहें। कुछ समय का दौर अच्छा भी आता है और वो अच्छा दौर हम ग्रह स्थिति के अनुसार देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रमोशन यानी कि आपका एक वर्चस्व स्थापित हो, आपका एक स्टेटस जो आपका करियर का है वो बढ़े, आपका एक सोशल स्टेटस बढ़े, ओवरऑल आपका एक वर्चस्व स्थापित हो, आपका एक झंडा कायम हो। वो कैसे होता है? सबसे पहले तो हम समझें, जब भी केतु अगर मान लीजिए वर्षफल में आपकी कुंडली में जो वर्षफल होता है वो एनुअल हॉरोस्कोप होता है, यानी कि जो कि आपके जन्मदिन से शुरू होता है और अगले जन्मदिन तक रहता है, और इस टेन्योर में कुछ ग्रह मूव करते हैं और वही मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग आपके करियर की कुछ चीज़ों को हम जानते हैं। तो पहले केतु के बारे में समझें। अगर केतु मान लीजिए पहले घर में आ गया, मान लीजिए केतु आपका पांचवें घर में आ गया या फिर नवें घर में आ गया या फिर बारहवें घर में आ गया, तब इस केस में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। केतु कुंडली में या फिर दूसरे घर में है, पांचवें घर में है, नवें घर में है या बारहवें घर में है, और साथ में बृहस्पति का असर शामिल हो रहा है, बृहस्पति या तो साथ में बैठे हों, तब इस केस में व्यक्ति को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि एक ये ऐसा पॉजिटिव समय आता है जिस समय में व्यक्ति करियर में ऊंचा उठ जाता है। दूसरी तरफ बात करें, करियर में प्रॉब्लम आना यानी कि आपका डिमोशन हो जाए, हो सकता है फॉल्स एलिगेशन लग जाए, हो सकता है बॉस के साथ तनातनी हो जाए, हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया और वो बिजनेस प्रोजेक्ट में आपको घाटा हो गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और वो उस इन्वेस्टमेंट में आपका घाटा हो गया, आपको अपना बिजनेस कहीं पर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, हो सकता है कहीं दूसरी जगह आपकी ब्रांच थी और वहाँ से आपको बंद करनी पड़ी। ये तब होता है जब केतु नीच भाव में चला जाए, जैसे कि तीसरे भाव में आ जाए या छठे भाव में आ जाए, या फिर केतु के साथ मंगल की युति बन जाए, केतु के साथ बुध की युति बन जाए, या फिर केतु के साथ चंद्र की युति बन जाए। तब इस केस में इंसान करियर को लेके और अपने सोशल स्टेटस को लेके जद्दोजहद में लगा रहता है, परेशानियां उसके साथ अमूमन आती रहती हैं करियर की। और जिन लोगों की ज़िंदगी में हमेशा ही करियर की कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां बनी रहती हैं, वो लोग वो होते हैं जिनके दसवें भाव में मान लीजिए दुश्मन ग्रह आ गए, मान लीजिए सूर्य और शनि का योग बन गया, मंगल केतु का योग बन गया, या फिर तीन चार पाँच ग्रह एक साथ आ गए जो कि सारे के सारे अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं, जैसे कि बृहस्पति, चंद्र, मंगल और साथ में आ गए राहु। तब इस केस में एक अकेले ग्रह के आने के कारण सभी ग्रहों की तासीर जो टेंडेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये डिस्टर्ब कहाँ हो रही है? ये डिस्टर्ब हो रही है आपके टेंथ हाउस में, जिसे कि करियर का हाउस कहा जाता है। तभी इंसान करियर में कभी सेटल नहीं हो पाता है, करियर को लेके उसके कुछ ना कुछ हिस्से जीवन में हमेशा परेशानी वाले रहते हैं। और अगर राहु हो या केतु हो तो इंसान अपने करियर से ही संतुष्ट नहीं होता है, करियर को लेके ही कभी ये काम करूं कभी वो काम करूं, दिमाग एक जगह टिकता नहीं है। और बहुत से कंडीशंस हैं करियर को लेके, अगर मैं बात करना शुरू करूं तो ये
शायद एक वीडियो, दो वीडियो, दस वीडियो तक बनानी पड़ जाए और वो भी कम पड़े। पर यहाँ पर आपकी सिर्फ वही परेशानी को हम दूर करने के कुछ रास्ते खोज रहे हैं जो कि आपके करियर में कुछ क्षण के लिए परेशानी वाले आए हैं या कुछ क्षण के लिए अच्छे आए हैं पर आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे कई बार आपको पता लगता है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपको नया रोल मिलने वाला है, नया आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या फिर आपका कोई बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हो पर कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। इस केस में हमें करना क्या है? ग्रह स्थिति आपने समझ ली। अब हमें उपाय क्या करना है कि अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ रही है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन मैं आपको दो तरह से बताऊंगा। पहली कंडीशन तब हम उपाय करेंगे, उस तरह के उपाय होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब, और दूसरी कंडीशन तब जब हमें पता है कि हमारा काम होने वाला है पर कहीं अटक रहा है तब। तो पहले हम डिस्कस करते हैं उस कंडीशन को जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में कि आपको करियर में कहीं ना कहीं डामाडोल आपकी स्थिति हो रही है, आपको परेशानी हो रही है किसी बात को लेके, किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगा दिए या आपके बॉस से आपकी तनातनी हो गई जिसके कारण जो आपको सहूलियतें बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे अब वो कहीं ना कहीं बॉस ने रोक दिए हैं, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन चीज़ों को लेके अभाव पैदा होने शुरू हो गए हैं। तब हमें क्या करना है? पहला काम तो ये होता है कि ऐसे केस में केतु को शुभ करना होता है, बृहस्पति के उपाय करने होते हैं, सूर्य के उपाय करने होते हैं। सिंपल, सबसे पहले बृहस्पति के उपाय करेंगे तो केतु के ऑटोमेटिकली उपाय हो जाएंगे। अब इसके लिए दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप 43 डेज लगातार केसर का तिलक लगाना शुरू करें माथे पे, और इस केसर के दाने जो होते हैं, पंखड़ियाँ होती हैं, इनको चाहे तो दूध में थोड़ा सा भिगा लें, इससे और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। और आपके घर के आसपास अगर कहीं नदी, नहर है या झील है या समुद्र है तो जाके 4 किलो गुड़ आप जाके जलप्रवाह करके आएँ। अगर जलप्रवाह नहीं कर सकते हो तो संडे के संडे धर्म स्थान जो भी आपके यहाँ पर है वहाँ पर पहुँचा के आएँ, सुबह सुबह करिए। अब यहाँ पर देखिए, 3 ग्रहों का उपाय ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि परेशानी आपकी यहीं से आ रही है। अगर मान लीजिए कोई परेशानी ऐसी है जो कि फॉल्स एलिगेशन है और आपको लगता है कि जो कमाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इज्जत भी जाएगी, तब ऐसे केस में अपने वजन का 1/10 कच्चे कोयले, जिसे चारकोल कहते हैं, जाकर जल प्रवाह कर आ जाइए। शनिवार, बुधवार, ये 2 दिन हैं, इन दिनों में से किसी भी दिन जल प्रवाह कर दीजिए, और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, जितना रिपीट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके प्रमोशन या कोई इस तरह की बेनिफिट्स को लेके कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, और वो अड़चन लगता है कि आज काम हो गया, कल काम हो गया, या टालम टोल किसी तरह की हो रही है, तब हमें क्या उपाय करना है? तब हमें सिंपल केतु को यहाँ पर पॉजिटिव करना है। केतु को पॉजिटिव करने के लिए सिंपल सा तरीका है, 4 साबुत हल्दी की गांठें। साबुत हल्दी की गांठें आप गुरुवार 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 ऐसे लगातार आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी नदी, नहर या झील है तो उसमें डालते रहें, और ये तब तक करते रहें जब तक आपका काम ना बन जाए। बृहस्पति के उपाय करते रहें, अगर केसर का तिलक लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर केतु को और शुभ करना है, अगर आपके पास बजट है, तो सोने का यानी कि गोल्ड का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, 9 ग्राम या फिर 900 मिलीग्राम जितना आपका सामर्थ है बनवा लीजिए। बनवा कर इसे लाल कपड़े में लपेट के अपने घर के कैश वाले स्थान पर रखिए, जहाँ पर अलमारी में आप सेफ बॉक्स जिसे हम कहते हैं वहाँ पर रख लीजिए। अगर मान लीजिए सोने का चौकोर टुकड़ा नहीं ले सकते हैं तो पीतल का चौकोर टुकड़ा कटवा लीजिए, इसको आप दूध गंगा जल से धोकर अपने घर के कैश बॉक्स में रखिए, यानी कि जहाँ पर आपकी अलमारी है वहाँ के सेफ में रखिए, और गुरुवार के दिन इसे स्थापित कर दीजिए, यानी कि गुरुवार के दिन आप इसे रख दीजिए। मात्र इतना करने से ही आपके जहाँ पर अड़चन बन रही थी वो दूर होगी। अब इसके साथ साथ एक उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके घर के आसपास नदी, नहर, झील या समुद्र है या तालाब भी है, तब भी आप कर सकते हैं। घर से निकले हो, शनिवार का दिन है, घर से निकले हो, कहीं रास्ते में शॉप, दुकान कोई पड़ती है, वहाँ से एक ब्रेड का पैकेट ले लीजिए, छोटा बड़ा जितना आपका सामर्थ है ले लीजिए, उस ब्रेड को अपने हाथ से मसल लीजिए, तोड़ लीजिए और उस ब्रेड को मछलियों को डाल दीजिए।
बस इतना ही करना है आपको। जब जब करते रहोगे आपके करियर से आपको परेशानियों की जो चीज़ें आ रही थी आपके सामने उनसे आपका वास्ता ख़त्म हो जाएगा और आप करियर में भी ग्रो करोगे, क्योंकि इससे शनि, केतु, सूर्य सभी के प्रभाव ठीक होते हैं। और ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो एक पॉजिटिव सोच दे देता है इंसान के। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, निकलने के रास्ते, यानी कि कहाँ अप्रोच लगाई जाए, कहाँ बात की जाए, क्या आपको टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है, क्या स्ट्रेटजी से चलना है, वो स्ट्रेटजी आपको इस उपाय से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसे लगे उपाय ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट आपसे करता नहीं, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार दर्शाने के लिए वीडियो के एंड में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जय माता दी या जो भी आपके इष्ट हैं उनका जयकारा बोलकर आप नमस्कार या कुछ भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी बताइएगा, उन पर भी काम होगा। काम तो बहुत सारे चल रहे हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार आपके सामने लेकर भी आता रह रहा हूँ। बाकी हेल्प के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे अपील की थी तो बहुत से लोगों ने संपर्क किया और किताबों का काम भी अब थोड़ा रफ्तार पकड़ना शुरू हो गया है। आएंगे और चीज़ें लेकर आपके सामने, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।